हेलो एवरीवन आउट देयर, माय नेम इज तुशीर जैन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मनी प्लांट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। तो दोस्तों, आज हम समझने वाले कि हमारे जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें कौन कौन से अपनी स्कीम्स हैं जिसमें आप पैसे को अपने इन्वेस्ट करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं सब स्कीम्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें आएगा आपका कंजर्वेटिव स्कीम। कंजर्वेटिव फंड्स में आप 75-90% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है डेट फंड्स में एंड 10-25% इन्वेस्ट किया जाता है आपका इक्विटीज़ में, ठीक है। इसमें आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन भी रहती है, आपको इसमें हाइयर रिटर्न भी देखने को मिलता है एंड इसमें जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपका 3 ईयर्स एंड अबव का टाइम पीरियड रहने वाला है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है जी आपका बैलेंस फंड। इसमें आपको 40-60% पैसा मिक्स रेशियो में आपका इक्विटी और डेट दोनों में लगाया जाता है। ये मीडियम रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए स्कीम है। थर्ड आती है आपकी एग्रेसिव स्कीम। एग्रेसिव स्कीम में 65-80% पैसा आपको लगाया जाता है इक्विटीज़ के अंदर एंड 20-35% पैसा लगाया जाता है आपको डेट स्कीम्स के अंदर। इसमें आपको हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न फॉर्मूला पे ये स्कीम काम करती है। अगर आप, क्योंकि ज़्यादा पैसा इसमें इक्विटी में लगा हुआ है, इक्विटी में ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा रिस्क एंड आपको उसमें ज़्यादा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। फिर आती है आपकी डायनेमिक एसेट स्कीम। इसमें डायनेमिकली हर एक मतलब फंड्स में रियल टाइम बेस पर पैसा लगाया जाता है मार्केट के अनुसार, ठीक है। ये रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए होती है स्कीम ये वाली एंड इसमें जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो आपकी रहेगी अराउंड 5-7 ईयर्स की। फिर फिफ्थ आती है आपकी मल्टी एसेट फंड्स। इसमें सिर्फ आपके 3 एसेट क्लास चूज किए जाते हैं, उसके अंदर ही आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। एसेट क्लास इसमें आएगी आपकी गोल्ड, इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें से कोई भी आपके 3 एसेट क्लास को चूज किया जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए एंड 10-10% आपका हर एक एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इसका लॉक इन पीरियड मतलब जो एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट पीरियड रहेगा वो अराउंड 3-5 ईयर्स के बीच में रहने वाला है। फिर आता है आपका आर्बिट्रेज फंड। आर्बिट्रेज फंड में 65% जो अमाउंट है वो आपको इन्वेस्ट किया जाएगा इक्विटीज़ के अंदर, सिक्योरिटीज बॉट एंड सोल्ड इन कैश एंड डेरिवेटिव टुगेदर, ठीक है। ये डेरिवेटिव में भी पोजिशन क्रिएट करते हैं एंड कैश मार्केट में भी पोजिशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है। अगर मार्केट में वॉलीटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है एंड आपको अगर डाउन साइड प्रोटेक्शन भी चाहिए तो आप इस फंड के साथ जा सकते हैं हाइब्रिड स्कीम के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फंड है आर्बिट्रेज फंड। आपका सेवन्थ एंड लास्ट स्कीम आती है इसमें इक्विटी सेविंग स्कीम, जिसमें आपका इक्विटी, डेट एंड आर्बिट्रेज तीनों उसमें स्कीम का मिक्सचर रहने वाला है। 65% आपका पैसा इन्वेस्ट होगा इक्विटीज़ के अंदर एंड 10% पैसा इन्वेस्ट होगा आपका डेट के अंदर। अदर फंड्स की बात करके चले हम तो छोटे मोटे फंड्स और है, जैसे आपके रिटायरमेंट फंड हो गए, चिल्ड्रन फंड हो गया, इंडेक्स फंड या एक्सचेंज ट्रेड फंड हो गया और आपका फंड ऑफ फंड्स हो गया। ये 4 एडिशनल फंड्स आपके अदर फंड्स की कैटेगरी में फॉलोएंगे। तो गाइज, यही था हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में, कितने प्रकार की इसमें स्कीम होती हैं, कितना रिटर्न होता है एंड कौन से इन्वेस्टर के लिए वो सूटेबल रहती है। तो गाइज, अगर आपका कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, जरूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।